क्योंकि गुजरात लाइन को ये मैच जीतना होगा और डाटा फाइटर भी अपने जीत बरकरार रखना चाहेगा। और ये मैच जल्दी से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद भी एक मैच है अभी भी, मुल्ताल सुल्तान वर्सेस गोइबा, और ये मैच गुजरात लाइन वर्सेस दत्ता फाइटर। और बैटिंग पे समीम और नॉन स्ट्राइक पे रहीम। स्ट्राइक पे समीम, नॉन स्ट्राइक पे रहीम। बॉलिंग लेके आया दिल खान और पहला बॉल बहुत ही अच्छा और बैट्समैन को समझ नहीं आया। और ये काफी प्लानिंग के साथ दत्ता फाइटर ने बॉलर को लगाया है, काफी प्लानिंग के साथ अच्छे बॉलर रोक के, और जो पार्ट टाइम बॉलर था दत्ता फाइटर का उससे अटैक, और काफी प्लानिंग किए होंगे इसके लिए। ओवर का दूसरा बॉल लेके चला और एम्पायर का इशारा वाइड और भाई के भी रूप में एक, तो इसी के साथ स्कोर हो गए 2 रन 1 बॉल। और स्ट्राइक पे आ गए रहीम, लेफ्टी फील्डर को चेंज करना है, कर ले लेफ्टी जल्दी से, बिल्कुल टाइम नहीं है। और रहीम लेफ्टी काफी अच्छा बैट्समैन, वर्ल्ड इज गोल्ड। आसाम में एक दौर था, रहीम का बहुत ही नाम था, मगर कुछ दिनों से क्रिकेट से दूर रहे और फिर से वापसी। रहीम को फिर से क्रिकेट ने, क्रिकेट की मोहब्बत ग्राउंड पे लाने पे मजबूर कर दिया। और इसी के साथ देखना होगा एम्पायर का इशारा, नो बॉल के साथ 2 रन। और फिर से देखना होगा एम्पायर का इशारा, नो बॉल, इसी के साथ फ्री हिट, एम्पायर का इशारा फ्री हिट, और स्कोर हो गए 5 रन। सामने बैठे जाफर भाई ने अपने 60 रियाल बचा लिए हैं, दिल खान को कबानी के साथ वापस भेजेंगे। काफी समझदारी जाफर भाई की। बैटिंग पे रहीम और रहीम के बल्ले से पहला और काफी अच्छा फील्डिंग और बाउंड्री बचाने में कामयाब हुजैफा। 5 रन नहीं 4 रन तो बचा ही लिया, सबको लगा 6 मगर 4 रन हुजैफा ने बचा लिया। खैर अच्छा 5 रन, सॉरी 1 रन लिया रहीम। और बैटिंग पे आ गए समीम, बॉलिंग पे दिल खान, बैटिंग पे समीम, और एम्पायर का इशारा वाइड। और बॉलिंग पे दिल खान काफी एक्स्ट्रा देते हुए, और गुजरात लाइन अगर एक हिट लगा देंगे इस पे तो अच्छा बॉल। और बॉलिंग लेके दौड़े दिल खान, बैटिंग पे समीम, फिर से देखना होगा एम्पायर का इशारा वाइड। कंटिन्यू दिल खान के द्वारा 2 बॉल और 8 रन, ये भी वॉल्यूम खुलाओ, ये भी लग रहा है एक नया रिकॉर्ड होगा। 2 बॉल में 6 वाइड। वो यार लड़का बहुत शानदार खेल रहा है। हाँ 4 वाइड, 2 बॉल में 4 वाइड, ये भी एक नया रिकॉर्ड। और देखना होगा लेग बाई का एम्पायर का इशारा, लेग बाई, और इसी के साथ 1 रन, स्कोर हो गए 9 रन। रहीम बाउंड्री मारनी रखी है टेबल च, और फिर से आगे स्ट्राइक पे रहीम, गुजरात लाइन की बाउंड्री भी है जी, फिर से स्ट्राइक पे रहीम,
गुजरात वार और दाता फाइटर काफी प्लानिंग करती है मैचों में। दाता फाइटर ने प्लानिंग दिल खान को अटैक ओवर लगाया और गुजरात लाइन के कैप्टन प्लानिंग करके रहीम और समीम को ऊपर लाया। अब देखना है दोनों बैट्समैन क्या करते हैं। और रहीम के बल्ले से अच्छा शॉट, देखना होगा फील्डर पीछे, एक ही रन। और इसी के साथ स्कोर हो गए 10 रन। चार बॉल 10 रन स्ट्राइक पे समीम। समीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं कर पाया है, बहुत ही बड़ा नाम मगर अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया। और इसी सिंगल के साथ फिर से डबल ले भाग गए रहीम और 2 रन लेने में कामयाब, स्कोर हो गए 12। अभी भी एक बॉल बाकी और समीम अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए मगर अभी तक कोई भी सिक्स नहीं, कोई भी बाउंड्री नहीं। अच्छा ओवर दिल खान का एक्स्ट्रा देने के बावजूद अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगा। लास्ट बॉल ओवर का और लग गया, देखना नीचे गुड कैच, काफी अच्छा गुड कैच फ्रॉम कदीर। कदीर भाई बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं और टाटा फाइटर में थे और अपने दोस्त की बॉलिंग पे जिसके लिए वो पूरी रात इंतजार कर रहे हैं साथ में ले जाने के लिए, उसी के बॉल पे अच्छा कैच। कदीर दिल खान और हमारे मुस्कीम भाई जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो हारने के बाद रहीम के पांव पकड़ लिए कि रहीम भाई आ जाओ प्लीज, मैं हार गया हूँ एक मैच, जाके उसके पांव पकड़ लिए रहीम के मुस्कीम ने, नीचे लेट गया कि आ जाओ भाई मैं 12 रन 12। मुस्कीम भाई जो काफी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो मैच हारने के बाद रहीम के पांव पकड़ लिए कि रहीम भाई आ जाओ मेरे पास बॉलिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है। बैटिंग पे लुक्की लुकमान अभी तक आउट ऑफ फॉर्म, अब लुक्की हो चुके दुखी, अब लुक्की को बनना और अगर नहीं आएंगे तो बिल्कुल कमेंट्री का हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बैट्समैन बुरा ना माने क्योंकि बिल्कुल आप जिस नाम के बैट्समैन हो अभी तक आप बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो तो अपनी नाम कम से कम अपने नाम का टेबल में जो नाम है उनका तो एहतराम करो और अच्छा अपने टीम के लिए बॉलिंग पर लेके चले। वसीम बिल्ला एक दूसरे का साथी और एक दूसरे टीम का बहुत ही दिन से खेला प्लेयर पाए के रूप में एक रन। और बैटिंग पे आ गए रहीम और बॉलिंग पे वसीम बिल्ला, अच्छा बॉलर अलहासा का अच्छा ऑलराउंडर वसीम बिल्ला मगर सामने रहीम भी अच्छा ऑलराउंडर, देखना होगा कौन मारता है बाजी। रहीम काफी दिमाग से सिंगल सिंगल अभी तक खेलते हुए 2 बॉल 2 रन अभी तक वसीम बिल्ला का, दोनों बॉल बहुत ही अच्छा अच्छा बॉल करते वसीम बिल्ला। और बैटिंग पे आए लुक्की लुकमान जो काफी जिसा के बाद जब से गोयबा में आए बिल्कुल बैट और बॉल से दूर दूर तक रिश्ता नहीं, और लगा दिया है देखना होगा और पहला छक्का। लुक्की लग रहा है अपने नाम वापस लाने वाले हैं, लुक्की अपना नाम क्या वापस कर पाएंगे इस मैच में। और वसीम बिल्ला को अच्छा बॉलिंग करना होगा क्योंकि लुकमान अभी भी आउट ऑफ फॉर्म है, अगर लुकमान अपना हाथ खोल लेता है तो डाटा फाइटर पे भारी हो सकता है और पता नहीं क्या सोच के क्या प्लानिंग करके अच्छे बॉलर को पीछे रखा डाटा फाइटर ने और अपना नीचे के बॉलर को ऊपर चला रहा है। और देखना होगा एम्पायर का इशारा क्या होता है। वार्निंग खत्म हो गई,
अगर बाहर आ मुस्तकाइम भाई है फिर आउट है। देखा भी नहीं, वार्निंग है। पहले एक आउट हो चुका है ऐसे। आउट दे दिया थे। वार्निंग के साथ एम्पायर का इशारा देखना होगा। एम्पायर का इशारा आउट। अभी तक एचपीएल में 6 विकेट 3 विकेट हो चुका है। 2 बिल्ले के नाम और 1 इफ्तेकार के नाम। रहीम अभी तक एचपीएल में 3 विकेट हो चुका है। तो बैट्समैनों को सोच समझ के निकलना चाहिए। 2 बिल्ले के बैट नाम दे दे रहीम इफ्तेकार के नाम। रहीम बैट मुझे दे दे। नहीं है, नहीं नहीं है। आउट हुआ पिछले मैच में, आउट हुआ है आदमी। अदल भाई पिछले मैच में आउट हुआ है तो वो आउट है। अगर बैट्समैन अंदर होगा, बॉलर बॉल लगाएगा तो आपने 2 बॉल देना है। ठीक है ना, ये रूल है। अगर बैट्समैन अंदर होगा तो आपने 2 बॉल देना है। नहीं, 9 बॉल वार्निंग नहीं है। पिछले नहीं दिया वार्निंग। पिछली देर आउट हुआ 2 आदमी। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है सेम आउट। लेकिन कमेटी बोलेगी कप्तान को कि नहीं एक बार कि ये रूल है भाई। बिल्कुल ये रूल पहले मैच से है। मेहरबानी करके आप पूरी मैच देखे लाइव। बिल्कुल ये रूल चलता आ रहा है। ये 3रा आउट है। 2 बार आज 2 बार है। आज पहले भी मैच में हो चुका है और बिल्ला ही ने किया था। अगर अगर बैट्समैन बाहर है तो फायदा नहीं है। अरे लेकिन ना अंपायरों ने बताया ना मैं कप्तान जानता हूँ ये रूल। वार्निंग होता है भाई अंदर होता है। मुस्तकीम भाई कोई वार्निंग नहीं है, सीधा आउट है। सर्दी लग रहा है ना, मौसम चेंज हो गया। जाफर भाई आपसे गुजारिश है कि आपने जो भी फील्डर लिए हैं उन्हें एचपीएल की टी शर्ट पहनाएं। आपका जो सिंगल पे फील्डर खड़ा है उसने टी शर्ट नहीं पहनी हुई, प्लीज प्लीज उसको ऊपर कराएं शर्ट को। कमेटी ने अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए आपको टी शर्ट दी है भाई। भाई रूल नहीं है कोट पहनने का। आप हॉस्पिटल में नहीं आए हैं। इंटरनेशनल वो अभी अंडर 19 में टूर्नामेंट वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इंडिया के प्लेयर ने कैसे आउट किए। अश्वन ने कितनी बार की भाई। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी कीजिए। कमेटी आपका मुलाजिम नहीं है कि सुबह तक बैठेगी। आलम भाई बड़ी रनिंग इस तरह करता है। बटलर होया। ओ चाचा
ओ चाचा तेरे गान में खुजली रहता ना, तू रनिंग भी होता है घंटे। मेरे बाल से हाथ निकला तू मेरी क्रीज में पहुंच जाता है। वो जो है ऐसा एक्शन उसको समझ नहीं आता कब बाल फेंक रहा है, वो क्रीज ऐसे सकर रहा है, मैं बाल फेंक दिया। तू बोला रन ले लूं, मैं बाल फेंक ले रन ले लूं। अभी देखना उसका एक्शन दे, मेरी क्या गलती है। धोनी नहीं नहीं ये भाई दौड़ता है, सही है ये सेम ऐसे रनिंग अच्छी करता है। डोंट बा माइंड रनिंग अच्छी करता है वैसे भी। तुम और बदतर ना इसकी जगह मैं करेगा, मुश्किल है। लुकी भाई विकेट पे रहना, लाइव चल रहा है, कोई बात नहीं क्या करूं, लाइव चल कमेंट करेगा। हां नहीं नहीं विदाउट सेफ्टी ऐसे खेल रहे हैं। तू बिल्डिंग रंग तो बल्ले मार लेने पबजी ये छक्का कैसे मारा था। एक मिनट एम्पायर, एक मिनट किसमें चल रही है रिकॉर्डिंग, दोनों में आज मोड़ तो खेलने का रेस ने पे ना हुआ है। गुजरात लाइन के बैट्समैन लुकी लुकमान 40 मिनट में खत्म करना है, लुकी लुकमान ये ना हुआ है। ओके मैच स्टार्ट करो। बॉलर दौड़े अंपायर को चेरा, ये तीन एक्शन इसकी, ये और लुकमान का बहुत ही खूबसूरत डबल है, डबल है शाबा। अब मेरे को बहुत ही सर के साथ बाटते ही नहीं है ये क्रिकेटर, बार-बार इस चीज के लिए कहा था कि रूल्स हमने दो-दो बार हाफिज वाहिद ग्रुप में कि रूल्स को पढ़ ले अच्छे से, मगर अब पढ़ ले अच्छे से इसे बताने की जरूरत नहीं, रूल्स पढ़ ले साफ साफ लिखा है सारा। हाफिज लुकमान रूल्स को फॉलो करो और आउट, बोल्ड हो गया, कोर्ट बैंड हो गया। पाजी तुसी क्या करो, पहले मैंने एक बार खड़ा दे उन क्या कर बोलो क्या कर, मैंने यार एक बार खेलने दे, स्टॉप कर ले सीधी बॉल कदी देख बाबू खेल ला, तू तेरी मेहरबानी यार, तू वखरे माशाल्लाह यार। नए आने वाले बैट्समैन शो है, अभी भी सारे कैप्टन से कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल बिल्ला दो बार ग्रुप में बॉलिंग हैंड पे इस सारा रूल्स आईपीएल के तर्ज पे ये मैच खेले जाएगा, इसी बार और एक पबजी के हीरो पाकिस्तान आउट हो चुके हैं, दो दो बार ग्रुप में अभी भी है, तो मेहरबानी करके जो भी रूल्स गया है शुएब नए आने वाले बैट्समैन रीड कर ले, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है आईपीएल के तर्ज पे। पवेलियन हैंड से दौड़े, इसके लिए मसला बिल्ला और बैटिंग पे आए कौन है, शुएब नए आने वाले बैट्समैन शुएब, शुएब और थ्रो कर डबल है, डबल है, डबल है शाबा। वसीम बिल्ला अभी तक अच्छा बॉल करते हुए बड़े बैट्समैन है, ये रो मूत्र बैट बैट तो अबाउट 22 स्कोर, शुक्र है चोरी माल दे दी थी। और अब तालिम पे आए हुजैफा और 22 बैटिंग पे शुएब, नए आने वाले बैट्समैन शुएब, हुजैफा इसे कोई फायदा है लाइट लाने मुश्किल ठीक है ठीक है। और बॉलिंग लेके चला हुजैफा, बैटिंग पे शुएब, वाइड बॉल, कितना बड़ा वाइड है यार, घर में डॉट करते हुए घर में वाइड है। पहला बॉल हुजैफा का इस ओवर का और शुएब डॉट किया और इस ओवर का दूसरा बॉल है हुजैफा रेडी। और इसी के साथ एक और विकेट गुजरात लाइन का, शुएब मलिक की बजते हैं, खेलो खेलो
तीसरा ओवर और देखना होगा एम्पायर का क्या इशारा होगा और बाइक रूम पे एकदम लेग बाइक रूम पे और बैटिंग पे आ चुके हैं गुजरात लाइन के कैप्टन मुस्तकीम और बॉलिंग पे उजैफा लेग बाइक लेग बाइक रूम पे और बैटिंग पे लुकमान लुकमान जितने भी फ्लॉप बैट्समैन था सब फॉर्म में आ चुका है मगर लुकमान को अभी भी आना बाकी बॉल बॉलिंग लेके चले उजैफा और नो बॉल का इशारा और इसी के साथ पहला दूसरा बाउंड्री लुकमान का लुकमान के बल्ले से दूसरा छक्का और फ्री हिट हर नो बॉल पे फ्री हिट है तो इसी के साथ लुकमान का बल्ले से दूसरा छक्का आते हुए और उजैफा नो बॉल और फ्री हिट क्या फ्री हिट का मौका को फायदा में बदल पाएगा लुकमान देखना होगा इस बॉल पे और गुजरात लाइन को मैच जीतना होगा तो लुकमान को अच्छा बैटिंग करना होगा और जाता फाइटर ने जो प्लानिंग करके बॉलर अच्छे बॉलर को पीछे रखा पीछे के बॉलर को आगे चलाए कहीं इसमें उल्टा भारी न पड़ जाए प्लानिंग और अभी तक खरे वाला कोई गुड्डा नहीं हाथ में उड़ता ना जाकर जिप स्टोर्स जब जाफर ने कॉल किया कि उजैफा तो हम लोग को लगा कि जो बॉल बचाए ड्राइवर लास्ट ऑफ माय माल बाले उप मानन वाले इसको नो बॉल फ्री ही तो बॉल नजर आप और फ्री ही और फ्री हिट पे देखना होगा डबल है डबल है डबल है होगा तो फायदा नहीं और इसी के साथ लुकमान को चांस मिलते क्योंकि फिर हिट पे कैच लुकमान को एक जीवन दान तो इसको फायदा उठाना और उजैफा को अच्छा ओवर करना होगा क्योंकि बिल्कुल पिच नमी होते ग्राउंड अगर 80-90 रन बन गया तो डाटा फाइटर के लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विकेट और नौ के रूप में देखना होगा बाई का क्या होगा सिंगल डबल सिंगल और फिर से फ्री हिट होगा बिल्कुल बिल्कुल नो बॉल ओवर स्टेप उजैफा उजैफा अच्छा बॉलर बॉलर गलती पे गलती दोहराते हुए और लुकमान लुकमान को बिल्कुल चांस पे चांस मिलते हुए एक जीवन दान और दो बार फिर हिट मतलब पूरी की पूरी फेवर बैट्समैन के हाथों में अब देखना क्या होगा और उजैफा ने दिमाग से पेस ऑफ चेंज करके लुकमान को लुकमान इस ओवर की आखिरी बॉल होगा और इसी के साथ पहले मुतवी थे सर्दी लगी मैं बोल्ड जिस जिस विकेट का दाता फाइटर का शेर शेर वो बिल्कुल आउट और ये अयूब अयूब ओवर का सबकी ख्वाहिश पूरी होगी पक्के बॉलर है इधर एंडिंग पे स्कोर 33 और इसी के साथ डबल गुजरात लाइन का चार विकेट तेरा बल्ला आउट होते हुए पूरा लंदन बल्ला चंगा है बिल्कुल बहुत अच्छा बल्ला थल्ले में पा रहा है अगर ये मैच जीतना होगा गुजरात लाइन को तो 70 बनाना होगा बातरा ग्रिप से और आप बॉलिंग पे आ चुके हैं मैं दूसरे खेल में दूसरे खेलना साथ हमारे डेंजरस पे पॉप जी शाबा लड़के पॉप जी आ गए पॉप जी छोटे बच्चों के काफी चाह चोने को आवाज मार पबजी ओ चाह पक्की होनी चल चल गुजरात लाइन बड़ा ओवर इसको बनाया जाए गुजरात लाइन अगर इसको किसरे से 68 24 जाफर 29
असद 24 के नाम से जाना जाता है। अब तुम भी बोलो 29 खुद भी बोलो 29 के नाम से जाना जाता है, यानी इनके ओवर में 29 रन लगभग हर ओवर में लग जाता है। और जाफर जट बहुत ही अच्छा ओवर लग रहा है अपना 29 कर जो रन रेट है उसको लाके 26-25 जाफर जट ने जबर हुए और अपने टैगर को बचाते हुए और अभी भी चार बॉल। इधर आ जाओ और अब आए बैटिंग पे कौन है? इधर बैठ कौन है बैट्समैन ने बैठो ना गार्ड थोड़ा मैं वो चार मेरा मैच नहीं आज दमाम ही जमीन बाद गार्ड बॉल स्ट्राइक पे कौन है? मैं भी जा रहा हूं इरफान वार फान वार डबल है डबल है और ओ आज का कूट ऑफ कैच होने वाला था जाफर जट का नाम मगर बाल सौकर आ जाओ बहुत ही अच्छा ट्राई इरफान क्या स्कोर है जी और जाफर जट ने काफी अच्छा ट्राई किया मगर कितना कब कब खेल रहा कम माशाल्लाह बहुत और कल सदाम ये क्या उधर अच्छा वो थे सारे शरद फिर मैं सदाम हूं वो थे उधर बॉलिंग पे भाई तू किधर खड़ा है मैं बोला तू आज गायब हो गया इधर है हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं और अगर कोई भी काम करता छक्का लगाएंगे तो 50 रियाल का इनाम नया रिकॉर्ड और लग रहा है जाफर जट बिना छक्के का ओवर खा के नया रिकॉर्ड अपने नाम बनाएंगे छक्के का ओवर खा के आज फिर खा के बिना छक्के का ओवर खा के अभी भी दो बॉल मगर कितने अगर नहीं लगता है जाफर जट को कितने तो वाकई सवा एक बजे खालिद भाई का मुंह काला होते हुए मगर अभी भी दो बॉल जाफर जट को कुछ नहीं कर सकते दो बॉल में भी 28 रन जिम्मे हार गए सोनू बुलाया कोई नहीं गांडू मार गए से स्टैमिना में ये तीन मैच खेल गया फिर खेड़े बंदे सारे मरने वाले हो गए और अच्छा शॉट और तीन 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 शाबा सलमान भाई ये साइड ना तीन 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 जाफर जट अभी भी एक बॉल प्लीज आपका 3 ओवर में 15 मिनट से ऊपर हो चुका है तो मेहरबानी करके 40 मिनट में आपको खत्म करना होगा नहीं तो आपकी ओवर कट जाएगा। ओवर का लास्ट बॉल बिना छक्के का अगर ये ओवर जाता है मेरा आउट गलत तो आज नया रिकॉर्ड जाफर के नाम चांस देना चाहिए मुझे पता ही नहीं था कसम इनको पागल आदमी बाहर निकलता है ये बॉल मेरे कोई और नया रिकॉर्ड जाफर जट खालिद भाई का मौका ला कर दिया व्हाट जा और 39 चार ओवर बहुत ही सुस्त बैटिंग गुजरात लाइन के तरफ से चार खड्डे दो जीते ओवर किसी भाई ने स्टार्टिंग में दो बॉल लूज है ना बिल्कुल जाफर अंडर दो एक बासल ते हो ही गया किसी भाई के पास सलमान स्पोर्ट्स वाला दो ही लूज बल्ला है या आलम जमे किसी कोई बेकार तो मेहरबानी करके कमेंट्री तक पहुंचा दें बैटिंग आपकी ज्यादा है सलमान डबल है डबल और इरफान बिल्कुल कश्ती डुबाते हुए बहुत अच्छा प्लेयर मगर फिलहाल स्कोर कितना स्कोर
और मुस्तकीम से रिक्वेस्ट है और इरफान डबल है डबल है डबल है डबल नहीं तो टेस्ट मैच खेलते खेलते पता चला 40 ओवर नहीं एक और है फिर से एक रन हुआ क्या बात है डबल रनिंग 17 से दौड़ से बन गई जहां एक रन होना चाहिए वहां तीन रन गुड रनिंग फ्रॉम इरफान और अयूब और मुस्तकीम भाई पीछे से आवाज दे अपने बैट्समैन इरफान को कि अपना गेम खेल 10 नंबर का टी शर्ट मगर काम बिल्कुल 0 नंबर वाला अगर गुजरात लाइन को जीतना है तो 70-80 रन करना होगा क्योंकि विकेट पे नमी आ चुका है बॉल स्विंग होते और जैसे कि मगर बिल्कुल डबल है बाउंड्री के अंदर धोनी जरा वहां से रिमोट से कार ओपन कर धोनी पापा की गाड़ी ओपन कर दो बेटा हद साले दूसरा बेटा है आवाज मार दूसरे ने आवाज दी और बॉलिंग लेके जयफा और बैट्समैन को कुछ समझ नहीं आया मेरे तो बैटिंग टिकट बल्ले गेंद पे लग रही है बल्ले पे बोल बोला ओके स्कोर है दाता फाइटर स्कोर कितना है 40-50 है इमरान वाला बैट भी धोनी तुम्हारे पास है जी चलो शुक्र अल्लाह का बैट मिल गया मगर एक बैट अभी भी अलसाफा का गायब है गायब नो बॉल और नो बॉल फिर से फ्री हिट होगा लेवांट रहा था ये तो लग रहा है लॉक कर दे दो बॉल चेक का बॉल लॉक कर बॉल चेक करेंगे लॉक कर और इरफान और अयूब टीम को फॉल ऑन से बचाते हुए दोनों बैट्समैन को पता नहीं कि टेस्ट मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल टेप बॉल और छक्कों की मैच है ये और जैसे कमेंट्री बॉक्स से गया पहला बाउंड्री अयूब के बल्ले से ये मैच बिल्कुल छक्कों की हो रहा है टेस्ट मैच या हार्ड बॉल 40-40 या 20-20 नहीं हो रहा है विकेट बचाना है स्कोर हो चुका है 51 या चढ़िया उर्दू स्कोर अभी भी गुजरात लाइन ठीक ठाक जा रहे हैं 51 पांच ओवर की लास्ट बॉल गुजरात लाइन के कैप्टन को बैट्समैन को थोड़ा पावर देना होगा यहां से 80 रन बना ले जाता है तो मैच बिल्कुल फाइट होगा और देखना होगा एम्पायर का इशारा ओवर बल्ले क्वेरी है देखना होगा पोती पांच ओवर के समाप्ति पे स्कोर 51 और शेख पीछे बहुत ही मजा ले रहे हैं क्योंकि शेख को लगा अभी तक एक भी सिक्स नहीं लगा है हम लोग दो तीन ओवर में मार देंगे तो क्रिकेट है और मुस्तकीम कुछ कुत्ते की मौत मरी है ट्रिप्स देते हुए कि कहीं और से छक्का जोर लगा तो कहीं और कायम इरफान को दिखाना होगा 10 नंबर की टी शर्ट पहना है तो लिहाज रखना होगा 10 नंबर का और बॉलिंग पे आ गए वसीम बिल्ले जो भी काफी अच्छा बॉलर मगर इरफान जो टेस्ट प्लेयर का बहुत ही बड़ा नाम मगर आज T10 का तेरी खैर पबजी पहला छक्का जी है पबजी टेस्ट प्लेयर बहुत ही अच्छा इरफान लाइव तो नहीं चल रहा और हमने उसको याद ये कराया कि आप टेस्ट नहीं खेल रहे हो T10 नहीं खेल रहे हो 8-8 ओवर का मैच खेल रहे हो पबजी का पहला छक्का इरफान आ गया अपने लय में और ट्राई किया मगर जिया जिया वेल रनिंग तो तंदन टाइप और इसी के साथ मुंबई का एक रन शाबाश टाइबू स्कोर हो गए 58 जिम्बाब्वे का प्लेयर है अच्छा अच्छा बाल सौका छे बाल सौका छे और वो सीन मिला अगर और टाटा फाइटर भी कुछ मजा चला गया इसको मजा चला गया इसने पूरा मैच बिल्कुल सारा प्लेयर बेचारा क्या कर कुत्ते की मौत इस मैच को इसीलिए सारा दर्शक और कमेंट्री बॉक्स में देख रहे हैं कि टाटा फाइटर
इस मैच को बहुत इजी ले रहे हैं, मगर जब तक इरफान है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 80 रन कर दो 80। और एम्पायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल, फ्री द फ्री। आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल एम्पायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल। वो बैट उसने उठाया ही नहीं, पैस नहीं चाहिए एम्पायर से। आप दो बार पे और काम नहीं है, हर बार फायदा ही नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। यही काम है तेरा और कोई नहीं। बोल के गए थे आप धोनी पापा की गाड़ी चाबी। डबल 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 डबल, दो बार आइयो, दो बार इरफान फास्ट। हां मगर और है अबे इरफान रना प्राग, रना प्राग हिट पे दो रन ले भाग। बॉल लगता है, बॉल है तो स्कोर नहीं बनता। हां स्कोर होता है, स्कोर आ गया अपना 60 हो गया, 20 रन और हो गया ना। बॉलिंग करता है क्या बोलते हैं धोनी, बैटिंग है इनकी। हां कौन बैट, ये पीछे बैट्समैन का पकड़ा ना। अबे जाना फर्स्ट स्ट्राइक पर शॉट, डबल डबल, अच्छा फील्डर, स्लो बॉल आया। और क्या स्लो है, फुल टॉस, फुल टॉस स्लो। ज्यादा मुश्किल है, जाओ जाओ जल्दी, कौन है, जल्दी चल इरफान, तू हिट कर, हिट कर, आ जा आ जा, ठीक है रनिंग कर दा बॉल है यार, दो बैट में आओ इसके साथ, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल इरफान, रनिंग करो, को एक और चांस, फिर हिट, नो बॉल है, रन बैक, रन बैक, आइयो रन बैक, सॉरी रन रन नो बॉल हो गई है, आउट है, आउट है, आउट है, इससे गलत हो गया, वो आउट दे रहा है, तुम नो समझ रहे हो। एम्पायर थोड़ा आप क्लियर दिए तो ये सही है, मगर जो आप हमें कंफ्यूजन में डाल दिए थे, माजरा चाहते सॉरी, आप उठा ही रहे थे मगर हमें लगा कि आप, वाह भाई वाह, नो बॉल आ गया, खैर हो जाता है। ये थ्रो कर रहे बॉल, बॉल इतना चलता है, पेस थोड़ी है। और इसी के साथ उसी बिल्ला फिर से और कौन को है, हैट्रिक, हैट्रिक, खलास ऑल आउट, वो नो बॉल था, हैट नो हैट्रिक सॉरी, हैट्रिक हो गया, लास्ट मिनट क्लियर करना है, टैप बॉल बाहर निकल गया, हैट्रिक ऑल आउट, ऑल आउट, और ऑल आउट, ऑल आउट हो गया, ये लो ये लो, गिदड़ ने पुत्र क्या है, स्लो बॉल है, तू उसको तेज बॉल से मुझे बता, स्लो स्लो, अभी भी लास्ट विकेट बाकी, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, एक विकेट बाकी, चेक कर ले, इसका लग रहा प्लेयर ही नहीं आया होगा ना, शायद लग रहा है 10 प्लेयर ग्राउंड पे, 62 पे विन, ये बॉल रहीम भाई, गुजरात लाइन के पास अभी भी एक विकेट चाहिए था, मगर लग रहा है कोई प्लेयर नहीं आए, किसी को वजह से 10 विकेट से खेल रहे हैं। और आरिफ भाई और मुल्तान सुल्तान का कैप्टन जहां भी सो रहे हैं जल्दी से कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, मुल्तान सुल्तान की कैप्टन से रिक्वेस्ट है अगला मैच के लिए टॉस करे आके, मेहरबानी। और 62 का टारगेट, और जिस तरह गुजरात लाइन 10 विकेट में 62 तो उधर सिर्फ 6 विकेट, 7 विकेट से टाटा फाइटर उतरेंगे ग्राउंड पे, छह अगर आउट कर लेंगे रहीम, अच्छे बॉलर सिर्फ विकेट लेने पे जाएंगे तो टाटा फाइटर के पास सिर्फ 6 विकेट, 6 आउट करेंगे तो बिल्कुल मैच गुजरात लाइन जीत सकता है, क्योंकि टाटा फाइटर जो टीम है उसके पास भी 7 प्लेयर मौजूद, बस 7 प्लेयर से टीम एचपीएल, टोटल 8 प्लेयर था, एक मुअज्जम छुट्टी जाने की वजह से सिर्फ खुरूज पे गए, तो इसीलिए 7 प्लेयर है। गुजरात लाइन को अगर ये मैच जीतना है तो विकेट पे जाना होगा, और अच्छा बॉलिंग लाइन गुजरात पे, शुएब रहीम जो अपनी काबिलियत रखता है आउट करने में, अगर 3-4 विकेट ले लेगा 2 ओवर में,
मुल्तान सुल्तान का कैप्टन मेहरबानी करें। और गुजरात लाइन को अगर ये मैच जीतना होगा तो विकेट पे जाना होगा, क्योंकि टाटा फाइटर सिर्फ 7 प्लेयर से खेल रहे हैं, तो बॉलर को दिमाग में रखना होगा कि हमें आउट विकेट पे जाना है और अच्छी फील्डिंग अच्छी बॉलिंग करना होगा। और पहला बॉल वाइड, छोटी स्कोर, बिल्कुल अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो मैच हार जाएंगे गुजरात लाइन। साथ दो रन, एक भाई का एक वाइट का, और देखना होगा और सिंगल के साथ दो बॉल 3 रन, छोटी स्कोर, छोटी स्कोर, अच्छा बॉल करना होगा और डाटा फाइटर को दिमाग से खेलना होगा, छोटी स्कोर लेके इजी ना ले मैच को, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, दोनों टीम को बहुत ही दिमाग से मैच खेलना होगा। और अरशद भाई मेहरबानी करके टॉस के लिए किसी को भेज दे। और डॉट बॉल इसके साथ स्कोर 3। और आदिल अच्छा बॉलर, पुराना बॉलर, दिमाग से ओवर करना होगा। ओके यार हो जाएगा लास्ट में कंफर्म, बैट्समैन आप जो भी स्कोर है कंफर्म हो जाएगा लास्ट में। और इसी सिंगल के साथ स्कोर और आदिल को अच्छा ओवर करना होगा और शेख को अच्छा बैटिंग करना होगा अपनी टीम के लिए। और इसी सिंगल के साथ स्कोर हुए 6। और इसी के साथ मुल्तान सुल्तान ने टॉस विन करके बैटिंग करने का फैसला किया है। और अच्छा बॉल इसी के साथ ओवर 6 रन, गुड ओवर फ्रॉम आदिल। और बैटिंग जाएंगे शेख, छोटी स्कोर और छोटा स्कोर हमेशा तकलीफ देता है और अक्सर अलसफा टीम को हार का सामना करा है करना पड़ा 45 रन के सामने भी। और बॉलिंग पे आ चुके स्वे भाई, अच्छा बॉलर,
एचपीएससीएल का अभी तक सक्सेस बॉलर, हमेशा आप ओवर में एक दो विकेट चटकाते हैं, तो देखना होगा अगर गुजरात लाइन को जीतना है तो विकेट लेना होगा और टाटा फाइटर को जीतना होगा तो दिमाग से खेलना होगा। और अच्छा बॉल, मैंने आपको कहा था एचपीएल सीजन 3 का अगर सक्सेस बॉलर में नाम आएगा तो वो सुहेब है। और अच्छा बॉल, पहला बॉल सुहेब का, टारगेट छोटा मगर अच्छे बॉलर गुजरात लाइन के पास, और सिंगल का कॉल और सिंगल ही होंगे और देखना होगा इसी सिंगल के साथ स्कोर हो गए 7 रन। और सुहेब अगर ये मैच को फंसाना होगा तो टाटा फाइटर की विकेट चटकाना होगा, क्योंकि अगर 8 ओवर खेल जाएगा तो छोटा स्कोर है बिल्कुल बन जाएगा, अगर आउट करने पे जाएगा तब ये मैच गुजरात लाइन जीत सकता है। और पहला छक्का हो जाएगा बल्ले से, बहुत ही अच्छा बैट्समैन ऑलराउंडर, और अच्छा बैट्समैन उजैफा, उजैफा के बल्ले से पहला सिक्स। और इसी के साथ और देखना होगा और कैच ड्रॉप, अगर ये कैच ले लेता तो यकीनन मैच 50% गुजरात लाइन के हाथ में आ जाता, क्योंकि दो बैट्समैन बहुत ही अच्छा बैट्समैन टाटा फाइटर के पास उजैफा और शेख मुजम के जाने से ये दो ही बैट्समैन ऐसा है जो पूरी मैच को रुख बदल सकता है। ये कैच छोड़ के गुजरात लाइन मैच छोड़ दिया समीम, ये अगर मैच हारेगा तो सारा क्रिएट समीम के नाम जाएगा, क्योंकि ये मैच बिल्कुल अगर उजैफा को आउट करता तो 50% गुजरात लाइन के हाथों में। बहुत ही अच्छा बैट्समैन मुजैफा, टेप बॉल, हार्ड बॉल, एमआईआई बॉल, तीनों फॉर्मेट के अच्छा बैट्समैन। दूसरा छक्का, मैंने आपको पहले ही कहा था ये विकेट भारी पड़ सकता है गुजरात लाइन को, ये मैच छोड़ के मैच छोड़ दिया, समझो कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। और सुहेब नर्वस होके अब बॉलिंग करते हुए, क्योंकि बहुत ही सुहेब हमेशा अपने ओवर में एक दो विकेट निकालते हैं मगर समीम ने वो चांस घुमा दिया। और देखना होगा फिर से 4 रन, मैच बिल्कुल गुजरात लाइन के हाथों से निकलते हुए 2 ओवर 23 रन। मैंने पहले ही कहा था कि अगर उजैफा का विकेट छोड़ा समीम ने बिल्कुल मैच हाथों से छोड़ दिया, बिल्कुल अगर उजैफा आउट हो जाता तो फिलहाल से एक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, मैच 50% गुजरात लाइन के हाथ में आ गया था, मगर कैच छोड़ के समीम ने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसका कम बिल्कुल खामियाजा भुगत गए। तो छक्के एक चौका, कैच छोड़ने के बाद उजैफा ने 16 रन मारा 3 बॉल में, और इसी के साथ 2 ओवर में 23 गुजरात लाइन बिल्कुल ठंडे होते हुए। और अच्छा बॉल रहीम के, और गुजरात लाइन की टीम बिल्कुल बिल्कुल सुस्त और ठंडा, मगर आप लोगों को ये बात बता दूं अगर गुजरात लाइन को वापस आना है तो 4 बॉल का गेम है, अगर गुजरात लाइन 4 विकेट निकाल लिया तो बहुत ही मैच हाथ में आ सकता है, सिर्फ 4 बॉल पे मैच चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल गुजरात लाइन को इतनी जल्दी हिम्मत न छोड़े और मैच को फाइट करें, बिल्कुल सारा फील्डर्स अपनी अपनी सोच अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए। और रहीम अच्छा बॉल करते अभी तक और कुछ समझ नहीं आया, और इसी डॉट मैंने आपको पहले ही कहा था अगर उजैफा आउट हो जाता तो गुजरात लाइन बिल्कुल अभी
टेंशन के दौर से गुजरता रहता क्योंकि सिर्फ अकेला शेख बचता, बाकी सलमान भाई इंजर्ड और जाफर जट। और मैंने पहले ही कहा था अगर उजैफा आउट हो गया होता तो मैच बिल्कुल गुजरात लाइन जीत सकता था। मैं इतना तो गारंटी कर सकता हूं कि अगर उजैफा को कैच कर लिया होता तो 90% अभिषेक जिस ओवर में आउट हुआ 90% मैच गुजरात लाइन जीत जाता। समीम ने कैच छोड़ के गुजरात लाइन मैच छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा ओवर रहीम का, अभी तक सिर्फ 25 रन, 2 रन अभी तक दिए हैं। और आगे बैटिंग पे वसीम बिल्ला और अच्छा ऑलराउंडर, ओए क्या बात है, हार्ड बॉल की फिलियर, बिल्कुल अलसफा टीम के लिए हार्ड बॉल खेलते हैं, इसी तरह को वसीम बिल्ले के बैट से देखने को मिलता रहता है दम्माम में। और ट्राई किया रिवर्सिंग और देखना होगा आजा मुनीर, तीन ओवर का एंडिंग पे स्कोर 26। अगर उजैफा आउट हो गया होता तो बिल्कुल मैच गुजरात लाइन की तरफ, मगर खैर क्रिकेट है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। दो बॉल दो विकेट और मैच गुजरात के नाम। गुजरात के बॉलर को ये मैच अगर जीतना होगा तो बिल्कुल विकेट के जैसे कि आंखों पे निशाना, विकेट और बॉल से ऐसे निशाना लगाना होगा कि और आ गए बॉलिंग पे मुनीर जर्क, मुनीर बट्टा जिसको हमने अलॉट किए हैं बॉलिंग करने का, और अच्छे पेस से करते हैं और बहुत ही अच्छे पेस